सारे गम पद पम गम पम गरे सा सारे गम पद पम गम पम गरे सा। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं राग भैरवी की आपको कुछ तानों के बारे में बताता हूँ, तानों को किस तरह हमें रियाज करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहली हमारी तान क्या होगी, सारे गम पा धा पा मा गम पा मा गरे सा, ये पहली तान है। तो पहले उसको बिल्कुल स्लो में प्रैक्टिस करना है, जब तक तान आपको पूरी तरह से याद नहीं हो जाती तब तक स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। सारे गम पा धा पा मा गम पा मा गरे सा। ठीक है, एक बार तान का सरगम करेंगे, एक बार तान का आकार करेंगे, लेकिन जब तान याद हो जाए तभी आकार करना है, उससे पहले आकार नहीं करना है। सारे गम पा धा पा मा गम पा मा गरे सा, सारे गम पा धा पा मा गम पा मा गरे सा। ये हमारी पहली तान है और पहले उसको स्लो से शुरू करना है और धीरे धीरे स्पीड तक ले जाना है। सारे गम पद पम गम पम गरे सा, 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 सारे गम पद पम गम पम गरे सा। जब तान आपको याद हो जाए, जैसे मान लो अब हमें तान याद हो गई, अब इसमें हम आकार भी करेंगे। और आकार स्लो से ही शुरू करेंगे, फिर उसको भी धीरे धीरे फास्ट करेंगे। ये मैं एक तान करके आपको उसका तान करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी सभी ताने जितनी भी हमारी ताने होंगी सबका फॉर्मेट यही होगा और सब इसी तरह तैयार होंगी। इस तरह, ठीक है, ये हमारी पहली तान थी। दूसरी देखते हैं, गम पधम पधने सने धप म गरे सा, गम पध म पधने सने धप म गरे सा, गम पधम पधने सने धप म गरे सा, गम पधम पधने सने धप म गरे सा। इसको भी उसी तरह स्पीड में लाना है। गम पधम पधने सने धप म गरे सा, गम पधम पधने सने धप म गरे सा, गम पधम पधने सने धप म गरे सा, गम पधम पधने सने धप म गरे सा। ठीक है, ये हमारी हो गई दूसरी तान। तीसरी क्या होगी, सा गम पधप म प नी धप म गरे सा, सा ग म प धप म प नी धप म गरे सा। ठीक है, ये हमारी तीसरी तान है। सा ग म प धप म प नी धप म गरे सा, सा ग म प धप म नी धप म गरे सा, सा ग म प धप म प नी धप म गरे सा। इसको भी उसी तरह स्पीड बढ़ाना है खूब, ठीक है, और सरगम आकर दोनों में। चौथी तान हमारी क्या होगी, ग म प ध नी सा रे सा नी धप म गरे सा, ग म प ध नी सा रे सा नी धप म गरे सा, ग म प ध नी सा रे सा नी धप म गरे सा, ग म प ध नी सा रे सा नी धप म गरे सा, ग म प ध नी सा रे सा नी धप म गरे सा, ग म प ध नी सा रे सा नी धप म गरे सा। इस तरह हमारी ये चौथी तान आएगी। तो ये चार ताने इस पार्ट में मैंने बताई हैं आपको, तो पहले चार तानों को आप अच्छे से तैयार करें, खूब स्पीड बढ़ाएं, जितना आप स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही हाथ में बैलेंस आएगा
और उतना ही बढ़िया आपको स्वर पकड़ने की जो सेंस होती है वो बनेगी। ठीक है, तो इनको तैयार करें, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट टू में, उसमें और चार ताने में आपको बताऊंगा आठ मात्रा की, फिर उनको तैयार कीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।